नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं N4 न्यूज भारत। अभी हम लोग हैं हजारीबाग के बूढ़ा महादेव मंदिर के बाहर और आप यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं जो कि मशाल जुलूस निकालने वाले हैं। अभी यहाँ पे जो झारखंड में जो स्थिति बनी हुई है स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर के उसके बारे में, तो आइए यहाँ के जिला अध्यक्ष से बात करते हैं और जानते हैं। आप बताइए कि आज मशाल जुलूस जो निकाल रहे हैं वो किस संबंध में है? आज हम लोग मशाल जुलूस भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेतृत्व में आज पूरे झारखंड में जिला हेडक्वार्टर पर, मुख्यालय पर सरकार के रवैये के खिलाफ हम लोग आज मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय नीति और नियोजन नीति। तो स्थानीय नीति में हमारे रघुवर सरकार जो 1985 का एक टारगेट लिया था, 1985 का, आज वह ना मान करके अपना मतलब की दादागिरी, अपना मतलब की थोपना चाह रहे हैं, जिससे पूरे झारखंड के लोग मतलब उदासीन है और झारखंड में आज विरोध का लहर का मेन कारण वही है। इसकी मतलब आपने कहा कि नियोजन नीति और स्थानीय नीति पे आप यहाँ पे आज मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, ये मुद्दा कब से गरमाया हुआ है तो फिर इतने देर बाद? यह मुद्दा झारखंड जब बनी थी, झारखंड में जब 2000 में बनी, तो 2000 बनने के बाद ही झारखंड के लोग में एक स्थानीय नीति बननी चाहिए थी, नियोजन नीति बननी चाहिए थी। तो यह सरकार अभी तक क्लियर कट लोगों को संदेश नहीं दे पाए हैं, लेकिन हमारी सरकार जी रघुवर दास की सरकार थी तो 1985 का टारगेट लेकर के स्थानीय नीति का मतलब की घोषणा मतलब किए थे, लेकिन आज यह सरकार न मान कर करके यह अपना थोपने का एक अलग उपाय लगा रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग ये मशाल जुलूस निकाल करके किसे क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मशाल जुलूस निकालने का और भी कारण है। झारखंड में जो विधि व्यवस्था चौपट है, अंधी लंगड़ी सरकार है, चौपट सरकार है, आज महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है और अब गरीब लोगों की बात सुना नहीं जा रहा है। आज कोई भी BDO CEO कार्यालय जाइए, थाना जाइए या जिला कार्यालय जाइए, बिना पैसा का गरीब का कोई काम नहीं हो रहा है, चाहे वह मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना हो या भारत सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की, हर योजना में मतलब बिना पैसा का कोई कभी काम नहीं हो रही है। दूसरी बात हमारा कहना है कि मतलब कि आज जो झारखंड में जिस तरह खनन माफिया बढ़ गए हैं, आज बालू माफिया, पत्थर माफिया, कोयला माफिया पूरे झारखंड में मतलब कि इस कदर से पकड़ा रहे हैं ईडी के द्वारा, आज वह हम पढ़ने को मिल रहा है। आज देखिए विष्णु अग्रवाल कहाँ पाकुड़ में मतलब कि लाखों हजार टन कोयला मतलब कि जहाज से भेज दिया। तो आज ऐसे ऐसे लोगों को भारत सरकार दबाने का काम और उजागर करने का काम कर रही है। आज जाइए, आपको पानी नहीं, हजारीबाग में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, पूरे झारखंड में बिजली की अवस्था चरमराई हुई है। आज बिजली के कारण मतलब सारा उद्योग धंधा बंद हो रहा है, लड़के लोग का पढ़ाई लिखाई मतलब कि चौपट हो रहा है। तो आज यह सरकार किसी भी सूरत में चलाने योग्य हेमंत सरकार नहीं है। हम लोग तो मांग करते हैं भारत सरकार से कि राष्ट्रपति शासन लगा करके और चुनाव करवाई जाए और ताकि जनता अपना खुल करके वोट दे। मैं आपसे अभी एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने बात किया महिलाओं के अत्याचार के बारे में, तो अभी देश भर में पूरा ये मुद्दा गरमाया हुआ है, मणिपुर में जो हुआ है मामला, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे तो बीजेपी की सरकार है और अभी सत्ता में भी देश में बीजेपी की सरकार है। मणिपुर में जो घटना हुआ वह लोग विपक्षी लोग बढ़ा चढ़ा करके इसको पेश कर रहे हैं। बढ़ा चढ़ा करके वो तो अलग बात हो गया, लेकिन एक वीडियो जो वायरल हुआ उसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि मामला क्या था। उसके बाद बढ़ाने चढ़ाने की बात तो बहुत कम आती है। उसमें मामला की जांच हो रही है, पड़ताल हो, प्रधानमंत्री जी तो बोले जो गलत है हम उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे कोई भी हो, जो गलत है सत्ता की, जो सत्ता में जो अभी पार्टी है वो अभी तक जाकर के वहाँ पे सत्ता की पार्टी की तरफ से अभी तक वहाँ पे जाकर के किन्हीं ने भी दौरा नहीं किया है, वहाँ पे जाकर के देखा नहीं है। देखिए, जिस दिन घटना घटा उसी दिन हमारे प्रधानमंत्री जी आपको मतलब कि कुछ पत्रकारों को बुला करके और अपना संदेश देने का काम किए कि अगर मेरा भी व्यक्ति हो और गलत हो तो हम उसको भी छोड़ने का काम नहीं करेंगे, एकदम स्पष्ट संदेश है हमारे प्रधानमंत्री जी का। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा कि हेमंत सरकार के में कुछ विकास नहीं हो रहा है या फिर लूटा जा रहा है और ईडी की रेड पे पड़ रही है और उससे पता चल रही है, तो मैं जानना चाहूंगी कि झारखंड बना है 2000 में, उसके बाद से कहाँ विकास हुआ है? उसके बाद से अगर बीजेपी की सरकार आई भी है तो क्या खास विकास की है?
देखिए हमारे रघुवर दास की सरकार 5 बरस पूरा ट्रंप की है। आज जो उनके समय जो विकास हुआ है, आप हेमंत सरकार का गणना कर लीजिए तो पता चल जाएगा रघुवर दास के क्या सरकार में विकास हुआ। आप देखिए अभी विधानसभा चल रही है, हमारे बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में मनीष जायसवाल जी हो, जयप्रकाश भाई पटेल हो, पूरा आंदोलन किए हुए है, पूरा विधानसभा में हल्लांगामा किए हुए, जयंत सिन्हा आपका पार्लियामेंट में हल्ला किए हुए है। तो झारखंड के जो सवाल है वह निश्चित तौर पर हेमंत सरकार चलाने योग्य नहीं है और इसको इस्तीफा दे देना चाहिए और पुनः राष्ट्रपति शासन लगा के चुनाव होना चाहिए जी। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे आज जो जिसलिए ये निकाला गया मशाल दिवस? भारतीय जनता युवा मोर्चा के हजारीबाग के जिला अध्यक्ष श्री विकास सिन्हा जी के प्रयास से आज यह कार्यक्रम हो रहा है और यह जो कार्यक्रम हो रहा है राज्य सरकार की नाकामी, भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर इतना ज़्यादा चरमरा गया है कि आए दिन प्रतिदिन कोई ना कोई घटना किसी न किसी थाने में हो रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है और कहीं ना कहीं गोलीकांड हो रहा है। अब देखो आदिवासी युवक जो है सुभाष मुंडा की हत्या हो गई और प्रतिदिन कहीं ना कहीं गोलीबारी हो रही है, तो इस तरीके की सारी घटनाओं से जनता त्रस्त आ चुकी है। हेमंत सोरेन सरकार अविलंब इस्तीफा दे और इसी मांग को लेकर के आज मशाल जुलूस का कार्यक्रम रखा गया है युवा मोर्चा का, उसमें हम सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग शामिल हुए। अभी हमने जाना कि जो इनका मेन मुद्दा है वो है अभी जो स्थानीय नीति और जो चल रही है झारखंड में नियोजन नीति और उसके अलावा भी जो महिलाओं के साथ यहाँ पे अत्याचार हो रहा है या फिर जो गोलीबारी हो रही है, जो राज्य में अस्थिरता बनी रह रही है उसके संबंध में हो रहा है। यहाँ पे नारों के साथ ही लोग ने अपना जुलूस स्टार्ट शुरू किया है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक से एक कार्यकर्ता मौजूद है और ये लोग अब मशाल जुलूस लेकर के निकल पड़े। स्थानीय नीति लागू करो।